दोस्तों, एक जिंदगी की हकीकत पर एक गाना है, छोटा सा, मैं गुनगुनाता हूँ हर जगह। तो कोशिश करता हूँ आज वो आपको सुनाऊँ और शायद आपको इस गाने में सच्चाई नजर आए। आपने सुना होगा, बट मैं कोशिश करता हूँ, मैं बहुत बड़ा सिंगर नहीं। गाना कुछ इस तरह से है। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, पिला देते हैं लोग, वक्त पड़ता है तो सब। ये जिंदगी की हकीकत है। वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं, यार क्या चीज है घर बार बदल जाते हैं, पीठ में खंजर जब वक्त बदलता है ना, पीठ में खंजर भाई के घुसा देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, पिला देते हैं लोग। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं रोहित सिरोही आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल बहुजन हलचल न्यूज़ में। दोस्तों, आज का टॉपिक सिर्फ इतना है कि हमारा 2019 जैसा भी गया गया, और आपने मेरी शायद मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव लेकर आइए। जो 2020 हमारे बीच में आने वाला है, एक दिन रह रहा है उसका, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, जो बीत गया वो बीत गया, जो करना है वो करना है। 2020 आने वाला है और आपको जो समझ लगे अच्छा, जो आप समझें कि हम सही बोल रहे हैं, यहाँ जो हमें करना है बस वही करें। और कुछ नहीं बोलूँगा, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, मैं चाहूँगा कि अगर आपने मेरी वीडियो पहले वाली देखी है तो आप बहुत कुछ सुधार अपने अंदर लाएंगे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप बदलो। अगर हमारी वीडियो के माध्यम से कोई एक शख्स भी बदलता है, लाखों करोड़ों की आबादी है हमारे देश में, अगर कोई एक भी बदलता है, तो हमारी जो जितनी भी अभी तक की कार्रवाई है, जितनी अभी तक की हमारी मुहिम है, हमारी मेहनत है, मुझे लगेगा कि वो सक्सेसफुल हो गई। हम अपने करे हुए कार्य में, हम जो बोल रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं, उसमें हम सक्सेसफुल हो गए। बस ये हमारी जीत होगी अगर एक भी शख्स हमारे बीच में से बदलता है। बदलना किस तरह से है, आपको सिर्फ अपनी सोच और अपने विचार, अपना नज़रिया बदलना है। आपको करना क्या है, आपको क्या नहीं करना है, वो आपको डिसाइड करना है, वो आपको खुद सोचना है कि आपको क्या करना है। देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि आप लोग अपने आप को बदलो, अपनी सोच, अपना नज़रिया बदलो। जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है उसका ख्याल रखें। आपको करना क्या है, क्या बनना है, क्या आपकी सोच है। अगर आप खुद नहीं बदल सकते, आपका समय निकल गया, आप सोचते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता, एक बार आंखें बंद करके सिर्फ 10 सेकंड के लिए किसी भी काम को ये सोचना कि मैं नहीं कर सकता क्या, आपके दिल से आवाज आएगी, तू कर सकता है। मगर आपको हौसला देने वाला कोई नहीं मिलता। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, मैंने कहीं सुनी थी, पढ़ी थी, कि दो छोटे बच्चे होते हैं, एक 10 साल का, एक 6 साल का, वो खेलते खेलते जंगल में पहुंच जाते हैं। शाम हो जाती है, वो रास्ता भटक जाते हैं, छोटे बच्चों को प्यास लगती है पानी के लिए। तो बड़ा बच्चा क्या करता है कि ढूंढता है पानी, उनको पानी नहीं मिलता। एक जगह कुआं होता है, तो कुएं में देखता है पानी बहुत नीचे होता है। तो जो बड़ा लड़का होता है 10 साल का, वो कोशिश करता है कुएं में से पानी निकालने की। वो कोशिश करते करते उस कुएं में गिर जाता है। जब वो कुएं में गिर जाता है तो छोटा लड़का सोचता है इसको निकालूं कैसे। अब दिमाग परेशान, छोटा लड़का था, क्या करता। उसने हिम्मत जुटाई, थोड़ा सा हौसला उसको आया, खुद से ही आया। उसने टूटी फूटी बेल होती है तो बेल ली, लकड़ियाँ ली, लंबी लंबी टहनियाँ ली, उसके जरिए उस लड़के को बाहर निकाला कुएं में से। वो बाहर आ गया, वो बाहर आ गया। और जब अपने गांव में पहुंचे, रात हो चुकी थी, गांव में पहुंचे, उनके घर वालों ने पूछा कहाँ थे, उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, हमारे साथ में हुआ। तो लड़के ने बोला, बड़े लड़के ने, कि ऐसे मेरे साथ में हुआ था। किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिन बीते,
सबको पता लग गया गांव में ये बच्चे झूठ बोल रहे थे, मगर एक गांव के कोने में, उस गांव के कोने में एक बुजुर्ग रहते थे, उन्होंने बोला हाँ ये हो सकता है, करा होगा उसने, मैं मानता हूँ इस बात को। यहाँ उस छोटे लड़के ने अपने से दुगनी उम्र के लड़के को, अपने से भारी लड़के को बाहर निकाला होगा। गांव वाले सोचते हैं क्या बोल रहा है, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा आदमी है, सठिया गया, मगर उनकी बात में सच्चाई क्या नजर आती है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि वहां इसे कोई रोकने वाला नहीं था, वहां इसे ये बोलने वाला नहीं था कि तू ये काम नहीं कर सकता, वहां इसको जो अच्छा लगा, जो इसके मन ने कहा, इसने वो किया, तब आज ये दोनों हमारे बीच में है। तो सारी बातों का एक तोड़ है, जब तक हम खुद से नहीं सोचेंगे हम करेंगे क्या। सारी बातों का तोड़ कहता हूं, आप खुद को बदल दीजिए, नजरिया बदल दीजिए, हमारी कोशिश कामयाब हो जाए, चाहे एक शख्स बदले, एक बदलेगा तो अपने साथ में एक और को बदलेगा। 2019 जा रहा है, 2020 की पहले ही आप सभी को तहे दिल से हमारी टीम की तरफ से बधाई, आपका ये साल बहुत अच्छा रहे और आई होप रहेगा। मेरी आवाज जहां तक भी जा रही हो, आपको कुछ ना कुछ तो आपके अंदर बदलाव आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि आपके ही बीच से उठकर मैं आपके लिए बोल रहा हूं। हमारी आवाज जहां जहां भी जा रही है, आपको पता लगना चाहिए कि हाँ हमारे लिए भी लोग खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? वो आपके अपने हैं, हम अपने हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, कोई सुझाव विचार हो तो हमारे लिए हमें बताइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।